ये अनाउंसमेंट जो है शायद पुराना गवर्नमेंट में शायद था, आई थिंक वे बैक इन 2012 और 13 समवेयर लाइक दैट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो शायद हो नहीं पाया। लेकिन हमारा टेन्योर में इस तरह का प्रपोजल गवर्नमेंट लेवल में हमारा टेबल में अभी तक पहुंचा नहीं है। तो मैं कंसर्न डिपार्टमेंट को मैं बोल दूंगा कि खास करके 3 महीने का जो फाइल है उसको हमको हमारा तरफ में बेचने के लिए, और मैं एश्योर करेंगे कि उसको हम कुछ ना कुछ गवर्नमेंट रेगुलर जॉब में हम देंगे और मैं एश्योर करेंगे कि उसको हम कुछ ना कुछ गवर्नमेंट रेगुलर जॉब में हम देंगे और मैं एश्योर करेंगे कि उसको हम कुछ ना कुछ गवर्नमेंट रेगुलर जॉब में हम देंगे। तो वो अंडर प्रोसेस में है और मेरे पास भी आई थी वो लास्ट ईयर, हमने 2 बार मिला उसको। हम बोले देखिए वो सारा जो गवर्नमेंट का प्रोसेस जो है, प्रोसेस जो अभी तक कम्प्लीट नहीं हुआ इसलिए थोड़ी लेट हो रही है। तो मैंने उनको भी बताया, तो उसके अलावा में सरकार कुछ कर रहा है डिपार्टमेंट की तरफ, गवर्नमेंट जो कुछ पॉलिसी में उसको कहीं अगर कमी है तो उसका काम कर रहा है, वो अंडर प्रोसेस में है। नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आज हम बात करेंगे हम तीने मैना जी के बारे में, जो कि अरुणाचल प्रदेश ही नहीं पूरे नॉर्थ ईस्ट से पहली महिला है जिन्होंने 2011 को माउंट एवरेस्ट में सबमिट किया। और मैं बता दूँ तब से लेकर अब तक यानी कि पूरे 10 साल हो चुके हैं 2011 से लेकर 2021, हमारी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लगातार एश्योरेंस दे रही है कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब देगा। लेकिन मैं बता दूँ कि चौंकाने वाली तो बात नहीं है, लेकिन 30 जून 2021 को कैबिनेट डिसीजन पास किया गया था जहाँ पे उन्हें एडवेंचर प्रमोशन इंस्ट्रक्टर के हिसाब से उसे अपॉइंट किया जाएगा। इस तरीके का कैबिनेट डिसीजन पास हुआ था 30 जून 2021, और आज है आप खुद सोच लीजिए दिसंबर पहुंच चुका है लेकिन कोई अपडेट नहीं, अभी तक अपॉइंटमेंट लेटर भी उन तक नहीं पहुंचा। हमने जब उनसे कोशिश की बात करने की तो उन्होंने कहा था कि लेट द गवर्नमेंट एंड द कंसर्न डिपार्टमेंट डू देयर ड्यूटी, उनका यही था। क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं जब हमने फर्स्ट उनसे इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने उनका भी एक इस तरीके का एक रेस्पॉन्स था कि गवर्नमेंट और जो डिपार्टमेंट है काफ़ी एश्योरेंस देती है लेकिन फुल इन अ प्रॉपर वे एक्शन नहीं लेते। तो उनका भी एक ऐसे तरीके का, जब तक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आता है लेट देम डू देयर ड्यूटी, इस तरीके का कहना था। तो आज हम इसी सिलसिले में आए हुए हैं सिविल सेक्रेटरीट पे ताकि हम चीफ सेक्रेटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश उनसे बात कर पाए, उनसे सवाल रख पाए। क्योंकि हमें खबर मिली है कि जो फाइल है तीना मैना मैम की, जो एडवेंचर प्रमोशन इंस्ट्रक्टर के लिए जो उन्हें कैबिनेट डिसीजन पास किया गया था, वो फाइनेंस में जाकर फंस चुका है। कोई अपडेट नहीं, बर नहीं रहा है, कोई खबर नहीं है। तो आज हम सीधे उनसे मिलेंगे और जानेंगे कि अपडेट क्या है और कब तक होगा। क्योंकि मैं बता दूं और याद दिला दूं स्टेट गवर्नमेंट को फिर से कि अभी पूरे 10 साल हो चुके हैं 2011 को उन्होंने नॉट ओनली अरुणाचल प्रदेश लेकिन पूरे नॉर्थ ईस्ट को प्राउड फील कराया था माउंट एवरेस्ट में सबमिट कर, और पूरे 10 साल हो चुके हैं लेकिन बस गवर्नमेंट का एश्योरेंस ही चल रहा है। और मैं याद दिलाना चाहूँगी पेमा खांडू सर को भी, उन्होंने इंटरनेशनल वुमेंस डे में 2021 के मार्च के महीने में उन्हें कहा था कि जल्द से जल्द एक्शन लिया जाएगा। कैबिनेट डिसीजन पास हुआ लेकिन पता नहीं अभी तक कोई अपडेट नहीं, कोई अपॉइंटमेंट लेटर का कोई खबर नहीं, बस मैडम रुकी रही हैं। देख अभी हम सीधे जानेंगे, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम। सर कैबिनेट डिसीजन जो पास हुआ था 30 जून को रिगार्डिंग जो तीना मैना मैम और तभी मारा के लिए जो एडवेंचर प्रमोशन इंस्ट्रक्टर के लिए, सर अभी 6 महीने होने को आ रहे हैं, कोई अपडेट नहीं है। सर सुनने में आया कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो फाइल है वो अटका हुआ है, जल्दी ही आपके वहाँ आने वाला है। तो सर क्या अपडेट और किस तरीके से आप लेंगे सर? ऑलमोस्ट तीना मैना मैम के बारे में बात करें तो सर 10 साल हो चुका है सर। मैडम आपने जो अभी ये विषय उठाया है जी, इस विषय पर मैं यहाँ से ऑफिस जा रहा हूँ जी, और यदि जैसा आपने कहा है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में फाइल है तो आज ही उस फाइल को निकालते हैं और उसमें जो भी कैबिनेट का डिसीजन हुआ है उसको शीघ्र और अति शीघ्र इम्प्लीमेंट करेंगे। सर ऐसे एश्योरेंस सर गवर्नमेंट की तरफ से इवन सीएम कांडू भी दिए, सर आपसे हम क्या एक्सपेक्ट करें सर, कब तक कर देंगे सर? देखिए ऐसा है जी कि अभी आज मंगलवार है जी, यदि आप 2 दिन के बाद में थोड़ा टाइम निकाल कर मुलाकात करेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जी। सर थैंक यू सो मच।